नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदी सिनेमा की वो टैलेंटेड एक्ट्रेस जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहा करती थी, जिस दौर में एक्ट्रेसेस पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए गाना गाती नजर आती थी, उस दौर में इस एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमर से तहलका मचा रखा था। मेकर्स लगभग हर फिल्म में इस एक्ट्रेस के हिस्से में जबरदस्त बारिश वाले सीन्स जोड़ा करते थे। इंडस्ट्री की वो टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही देवानंद की बहन का किरदार निभाकर किया था, वो कोई और नहीं बल्कि अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस जीनत अमान हैं। अपने दौर में जीनत ने कई हिट फिल्मों में काम किया था। करियर की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा स्टारडम हासिल किया था जिसके लिए एक्ट्रेस को कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। साल 1971 में जब जीनत ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देवानंद की बहन बनकर एंट्री की तो उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस का स्टारडम फीका पड़ने लगा था। करियर की शुरुआत में ही जीनत फैंस के साथ साथ मेकर्स की भी पहली पसंद बन गई थी। जीनत ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया था। उनके फिल्म में होने मात्र से ही फिल्मों के हिट होने की संभावना बढ़ जाया करती थी, लेकिन जीनत के साथ अक्सर ऐसा होता था कि वो जिन फिल्मों या गानों में बारिश में नजर आती थी वो फिल्में और गाने हिट हो जाते थे। जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर में ऐसी कई फिल्मों में काम किया था जिनमें मेकर्स ने उन्हें बरसात में भीगते हुए दिखाया। इनमें फिल्म अजनबी का गाना भीगी भीगी रातों में और रोटी कपड़ा और मकान का गाना हाय हाय ये मजबूरी जैसे कई ऐसे गाने और फिल्में रही हैं जिनमें एक्ट्रेस बारिश में भीगती दिखाई गई और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। खुद जीनत अमान ने भी इस बात का खुलासा कपिल शर्मा के शो में किया था। कपिल ने एक्ट्रेस से हंसते हुए पूछा था कि हमने अक्सर आपको फिल्मों में देखा कि कभी आप झरने के नीचे शावर ले रही हैं तो कभी बारिश में नहा रही हैं, क्या आप घर से नहाकर नहीं आती थी? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने बताया था कि मैंने भी ऐसा सुना है कि जिन फिल्मों में मैंने बारिश में डांस किया या शूट किया उनसे मेकर्स ने खूब कमाई की है। आपको बता दूं कि जीनत अमान ने अपने करियर में तकरीबन हर बड़े स्टार और डायरेक्टर के साथ काम किया था। शशि कपूर के साथ तो फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उनका रूपा का किरदार काफी चर्चा में रहा था। फिल्म में शशि कपूर संग उनकी केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस डॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, कुर्बानी और दोस्ताना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।